नमस्कार दोस्तों, आप क्या अपने जन्मदिन पर केक पर लगे हुए कैंडल को फूंक मारकर बुझाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। जरूर देखिए और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी। मैं इसके विषय में आपको दो बातें बतलाऊंगी। पहली बात ये कि जब मैं अपने मुंह में हवा भर करके और फूंक मार करके कैंडल को जब हम बुझाते हैं, तो हमारे उस हवा के साथ बहुत सारा थूक बाहर निकल करके और केक पर फैल जाता है। तो आप बताएं, क्या आप अपने जन्मदिन पर जूठे केक सबको खिलाना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं। इसके साथ साथ बहुत सारे रोग फैलने की भी आशंका रहती है, तो इस बार से आप ऐसा बिल्कुल ना करें। और दूसरी बात ये कि हमारा बर्थडे के दिन हमें उजाला चाहिए, प्रकाश चाहिए, ज्योति चाहिए, जिससे हमारा जीवन जगमग हो। बहुत ही पावन दिन होता है, उस दिन को आप फूंक मार करके कैंडल को बुझाकर क्यों मनाते हैं? जब आप कैंडल को बुझा देते हैं तो बुझने के बाद वो अंधकार हो जाता है, जबकि हमारी परंपरा है किसी भी शुभ दिन में हम लोग प्रदीप को प्रज्वलित करते हैं और उजाला बिखेरते हैं। तो आगे से आप भी अपने जन्मदिन पर फूंक मारकर अंधकार न फैलाएं, जूठे केक से सबका स्वागत न करें और आप एक दीप प्रज्वलित करें, चाहे वो कैंडल ही क्यों ना हो, और कामना करें कि आपके जीवन में प्रकाश फैले न कि अंधकार। इस तरह की जानकारी के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करें। अच्छी लगे कमेंट करके मुझे बताएं। मिलती हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड।